तो आपने देखा होगा कि अक्सर आपके घरों में तुलसी का जो पौधा है वो लगा होता है, और ये बहुत होली प्लांट है जिसको आप देखते हैं कि लोग अपने घर में अक्सर लगाते हैं। लेकिन कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और स्पेसिफिकली अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, साफ सफाई या उसकी रोजाना पूजा पाठ करने से भी ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि इसके साथ ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जो आपको नहीं लगाने हैं। तो ये जान लेंगे जब आप, तो आप ये देखेंगे, एक तो अगर आपका पौधा ग्रो नहीं कर रहा है तो वो करेगा, और दूसरा ये है हो सकता है कि ये कारण हो कि आपके घर में तुलसी ना चल रही हो, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक बात है। आप देखते हैं कि अक्सर, और लोग आपको देखेंगे किस तरह की कंप्लेंट करते हुए अक्सर देखते हैं कि मैंने तुलसी का पौधा लगाया और वो चल नहीं रहा है या वो सूख गया है, तो उसके पीछे के बहुत सारे कारण मैंने आपको बताए हैं। आज कुछ ऐसी चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, हो सकता है कि आपके जहन में ये चीजें ना हो, जैसे कौन से प्लांट आप नहीं लगा सकते हैं। अगर आपने तुलसी का पौधा लगाया तो उसके आसपास आप कभी भी पीपल या बरगद इस तरह के कोई प्लांट्स को आप ना लगाएं, ये मना ही है इसको एस्ट्रो के अंदर भी, और अगर आप देखेंगे ज्योतिष के हिसाब से तो ये कहा जाता है कि इस होली प्लांट के बाद जब भी आप इस तरह के कोई पेड़ पौधों को लगाते हैं तो ये जो पौधा है वो पनप नहीं पाता। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े पेड़ हैं बरगद के या पीपल के, वहां पर आप देखते हैं कि उसके आसपास तुलसी का पौधा नहीं पनपता, और इसीलिए ये मनाही की गई है कि आप इस तरह से कोई प्लांटेशन ना करें। दूसरा, किसी भी कांटेदार पौधे को आप कभी ना लगाएं, मतलब जैसे अगर आपने अपने अपने गार्डन के अंदर अगर आपने तुलसी का प्लांट लगाया हुआ है तो उसके आसपास आप कभी भी कैक्टस का या नागफनी या इस तरह के जो भी प्लांट्स हैं जिसमें कांटे होते हैं वो आपको नहीं लगाना चाहिए, और अगर ऐसा आप करते हैं तो भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि आपका जो प्लांट है वो ना चल रहा हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप तुलसी का पौधा लगा रहे हैं तो वहां पर आपको ये भी ध्यान साथ में रखना है कि इन पौधों के इर्द गिर्द भी आपको कभी भी अपने इस प्लांट को नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने उसके साथ नहीं लगाया लेकिन थोड़ी दूरी पर आपने उस प्लांट को रख दिया है, कोशिश ये करें वहां से बिल्कुल हट करके आप तुलसी के पौधे को लगाएं, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं वो एक तरीके से आपके प्लांट के, तुलसी का जो स्पेशली जो आपका पौधा है उसके लिए सही नहीं मानी जाती है, और यही एक बड़ा कारण होता है कि आप देखते हैं कि आपका पौधा बार बार सूखता है। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।